अक्सर बात करें तो गेहूं कटाई के बाद किसान भाइयों को तलाश रहती है ऐसी स्ट्रा रीपर मशीनों की, जिससे जल्द से तूड़ी बनाई जा सके और तूड़ी की क्वालिटी भी अच्छी बने, जिसे पशु चाहकर खाए। तो आज हमारे साथ एक किसान साथी हैं जो उनका एक अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस है। इन्होंने बताया कि 7-8 साल से वो ऐसी स्ट्रा रीपर मशीनें चला रहे हैं। तो कौन सी मशीनें बेस्ट रहती है, क्या कुछ खर्चा आता है, कितने रुपए की मशीन आती है, सारी जानकारी के लिए अपने किसान साथी से ही जानेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। तो आपका नाम पता बता दो। मेरा नाम अमरीक सिंह है, गाँव मेरा 15 SDR है जी। कितना टाइम हो गया भाई जी आपको इस मशीनों पे काम करते हुए? मेरे को 8 साल हो गई। 8 साल हो गए। इन 8 सालों में आपने कौन कौन सी कंपनी की मशीनें यूज करके देखी है? मैंने पहले 2 साल दशमेश की चलाई थी, उसके बाद में ये दूसरी मशीन है केएस की। तो ये मशीनें आपने बताया 6 साल हो गए, 6 सालों में आपको कोई ऐसी दिक्कत फेस करनी पड़ी हो जिसे ऐसा लगे भी ये मशीन में कोई कहीं कमी है? इस मशीन में कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रही है। इसका कटर साइज क्या है? इसका 7.5 फुट है। इसका और भी कोई मॉडल आता है बड़े में? इसका 1.8 फुट अब की बार कंपनी ने निकाला है और अब की बार एक नया लॉन्च किया है। तो इस मशीन की क्या कुछ कीमत है? इस मशीन की 3,60,000 है और वो दूसरा नया मॉडल है उसकी 3,80,000 है। 3,80,000 है। तो कितने टाइम तक ये मशीन सफिशिएंट चलती है सही तरीके से? सही तो ये 2 या 3 सीजन बढ़िया लगाती है, उसके बाद में रिपेयरिंग ज़्यादा मांगने लग जाती है, तोड़ फोड़ ज़्यादा करने लग जाती है। ठीक है, तो उस बाद में आप बेच देते हो इनको? ठीक है। इस मशीन में क्या कुछ और खास आपको लगा, क्योंकि जो मेन चीज़ है किसान की 6 महीने की मेहनत है, गेहूं तो खाने में आएगी लेकिन पशुओं को तूड़ी बढ़िया चाहिए। हाँ। तो इसकी तूड़ी की क्वालिटी कैसी आ रही है? तूड़ी की क्वालिटी इसकी बिल्कुल थ्रेसर जैसी है। अच्छा, बढ़िया तूड़ी बनाती है। अच्छा ये बताइए, अगर बात करें सूखी कणक को अपनी, तो कितने मिनट में ट्राली भर देगी? 12-13 मिनट में भर देती है। 12-13 मिनट में। और अगर आप डीजल का खर्चा निकाले तो 1 एकड़ में तूड़ी बनाते हैं कितना खर्चा आ जाता है? 1 एकड़ का नहीं, इसका ट्राली का होता है। 1 एकड़ में कई बार 2 ट्राली भी बन जाती है, कई बार 1 बनती है। तो इसका ट्राली का लगभग औसत लास्ट में पड़ता है 4 लीटर का। पहले जैसे गिल्ले में 5 लीटर खाता है, बीच में 3-3.25 खाने लग जाता है, लास्ट में ज्यादा सूखने पर फिर 5 खाता है। एवरेज 4-5 लीटर की आती है। 4-4.25 लीटर की आती है। अच्छा ये बताइए, इस मशीन को चलाने के लिए मिनिमम कितने एचपी का ट्रैक्टर सफिशिएंट रहेगा? इसको चलाने के लिए 50 HP से ऊपर का ट्रैक्टर चाहिए। 50 HP से बड़ा कोई भी ट्रैक्टर बढ़िया काम करेगा। अच्छा आपने जिक्र किया तूड़ी की क्वालिटी का, तो किसान जैसे आपने, कोई किसान ऐसा भी होता है जो चाहता है थोड़ी मोटी तूड़ी बने, कई कहते हैं बारीक तूड़ी ज्यादा बढ़िया रहती है, तो आप इसको सेट कर सकते हो? इसमें ज्यादा तो कुछ होता नहीं है, वैसे थोड़ा बहुत जाल ऊपर नीचे करने से हो जाता है, बाकी तूड़ी बनती है लांगे के हिसाब से, जैसा नीचे होगा कचरा वैसी तूड़ी। गेहूं तकड़ी है अपनी, अच्छी है तो तूड़ी भी बहुत बढ़िया बनेगी, बढ़िया बनेगी। और अगर गेहूं हल्की है तो थोड़ी भी फिर मोटी आएगी या ठीक आएगी। अच्छा इसमें जाल लगा होता है, वो थोड़ा बताएंगे आप किस तरीके से, जैसे अपने यहाँ कौन सा काम करता है अगर गेहूं तकड़ी है? पंजाब साइड हरियाणा की बात करें, पंजाब साइड में तो 36 या 34 सरियों का जाल चलता है, अपने इधर 38 सरिये का जाल चलता है। ठीक है, तो तूड़ी जो अपने को चाहिए वो क्वालिटी 38 सरिये जाल में बढ़िया आती है। किसान भाइयों, उम्मीद करूंगा भाई साहब ने जो जानकारी अपने को दी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।